कहते हैं जहाँ लड़ाई नहीं होती वहाँ प्यार भी नहीं होता। खासकर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अक्सर ये बोला जाता है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं, कभी पत्नी ने पति की बात नहीं मानी तो घर में कलेश हो गया, तो कभी पति बीवी को इग्नोर कर गया, तो कई घरों में बच्चे ना होने की वजह से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन आगरा में अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को बिना बताए नसबंदी कर ली। जब इस बात की भनक पति को लगी तो घर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और ये मामला मैरिज काउंसलर के पास पहुंच गया। वहां जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि बीवी ने नसबंदी इसलिए कराया क्योंकि ऑलरेडी उसके 3 बच्चे हो चुके थे, वो और बच्चा नहीं चाहती थी। लेकिन नसबंदी के बाद पति ने बोला कि उसे एक और बच्चा चाहिए और इसी बात से वो भड़क गया। दरअसल साल 2018 में आगरा के इरादतन नगर इलाके की रहने वाली एक लड़की की शादी ताजगंज के एक युवक से हुई थी। युवक तहसील में संविदा कर्मचारी है। दोनों के 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। लेकिन पत्नी अब और बच्चे पैदा करना नहीं चाहती थी, जबकि ना जाने क्यों पति बच्चों की फौज खड़ा करना चाहता था। बस इसी बात पर दोनों में कलेश होता था। एक दिन पत्नी अपने पति को बिना बताए खुद ही नसबंदी करा लाई। जब पति को इस बात की खबर हुई तो घर में हंगामा शुरू हो गया। पीड़ित पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो 8 महीने से अपने मायके में बच्चों के साथ रह रही है, वो अब बच्चे नहीं चाहती है, जबकि उसका पति और बच्चे पैदा करने की डिमांड कर रहा था। उसने चुपचाप से अपनी नसबंदी करा ली। जब पति को पता चला तो उसने खूब पिटाई की और सास ने भी भला बुरा कहा। उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया। तभी से वो अपने मायके में रह रही है। अब जाकर ये मामला पुलिस में भी पहुंच चुका है, तो पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। अब इन पति जनाब को कौन समझाए कि हमारे देश में भी यही कानून है कि 2 बच्चे से ज्यादा अगर पैदा हुए तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको नहीं मिलेंगी। साथ ही बीवी कोई मशीन नहीं है, लेकिन इन्हें तो बच्चों की फौज चाहिए ही चाहिए। फिलहाल इस मामले का निपटारा काउंसलर के समझाने पर भी नहीं हुआ और दोनों पति पत्नी के बीच समझौता नहीं हो पाया। इसके बाद दोनों को काउंसलर की तरफ से सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई है। अब देखना ये है कि पति पत्नी की ये लड़ाई कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।